सबसे जीडी में एग्जाम दिया है, आपकी जनरेट हो गया है, कभी भी आपके आंसर की जारी हो सकती है। कल का डेट और फिजिकल की जो शेड्यूल है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जब मैंने 2022 में एसएससी जीडी दिया था उस समय रिजल्ट आने के जस्ट एक हफ्ते बाद, या नहीं एक हफ्ते बाद ही, लगभग 10 दिन के बाद है ना, फिजिकल की डेट आ गई थी। मतलब फिजिकल का शेड्यूल काफ़ी फास्ट हुआ था प्रोसेस। और उस समय मैंने क्या किया था कि एसएससी जीडी का मेडिकल तक मैंने क्लियर कर लिया था, डीवी मेडिकल, मतलब हर एक प्रोसेस जो होता है रिटेन। रिटेन के बाद हम क्या करते हैं, फिजिकल निकालते हैं, फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के साथ साथ आपका डीवी भी हो जाता है ना। ये चार स्टेजेस होते हैं और चार स्टेज पे मैंने क्लियरली, मतलब कहीं पे भी जरा सा भी डाउट नहीं आता, कहीं पे रीमेडिकल नहीं मिला था, कहीं पे कागज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी है ना, फिजिकली भी बिल्कुल स्मूथली मैंने क्लियर किया था। मतलब सारा प्रोसेस मैंने ए टू जेड स्मूथली क्लियर किया था। और आप अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, मैंने वीडियो का एक थंबनेल लगा रखा है, इस वीडियो पे लगभग 90,000 के आसपास लोग देख चुके हैं इस वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो चला था ये। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल यही बताया था कि मैंने अपने फिजिकल और मेडिकल को कैसे क्लियर किया था है ना। विश्वास मानो इसके नीचे कमेंट आप जाके देखा ना, इतने पॉजिटिव कमेंट आए हैं, मतलब लड़कों के जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा। उन बच्चों को 2023 वाली जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी जिसमें 25 या 26 हजार के आसपास जिसमें रिक्रूटमेंट थी, उसमें बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली थी, काफी सारे बच्चे मेडिकल और फिजिकल में अच्छे से क्वालिफाई हुए थे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, देखो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे से वो हो जाओ, आप वीडियो को जाके देखना, फिर आना, फिर आके चैनल से जुड़ना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जीडी को लेके, मतलब एक ए टू जेड एक्सपीरियंस रहा है जीडी को लेके, हाँ हर एक पॉइंट को पॉइंट में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एसएससी जीडी को लेके, क्योंकि स्टार्टिंग लेके लास्ट तक मैंने सारा सफर तय किया हुआ है इसमें। और मैंने फिजिकल, मेरा फिजिकल बहुत अच्छा तो नहीं था ना, मैं दौड़ने में काफ़ी अच्छा था, बट मैंने फिजिकल को निकाला था वहाँ पे। मैं सच आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता था कभी भी मेरे 24 मिनट आते ही नहीं थे 5 किलोमीटर, कभी कभार 25 मिनट या 24.5 मिनट आ जाते थे, तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि जब मैं वहाँ ग्राउंड पर जाऊँगा दौड़ने तो ग्राउंड में मैं कर ले जाऊंगा, क्योंकि ग्राउंड में आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, बच्चों के साथ आप ग्रुप में दौड़ते हो, तो जो आप घर पे रनिंग लगाते हो अकेले या एक दो बच्चों के साथ, वहाँ पे वो आपका 30 सेकंड 35 सेकंड यहाँ तक कि नियर अबाउट 1 मिनट तक आपको फ़ायदा मिल जाता है। और नतीजा यही हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था, और मुझे लगभग मैं कह सकता हूँ मुझे 1 मिनट का वहाँ पे लीड देखने को मिला था, जो मैं 24.5 मिनट 25 मिनट से पहले कभी लाता ही नहीं था ग्राउंड में, वहाँ पर मेरे 23 मिनट 30 सेकंड के आसपास, 27 या 28 सेकंड के आसपास मेरे वहाँ पे क्लियर हो गए थे। तो फिजिकल निकालने के बाद मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि जो मेरे लिए सबसे टफ टास्क यही था कि मैं फिजिकल मेरा कैसे निकलेगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। देन उसके होने के बाद मेरा मेडिकल होना था, मेडिकल मेरा CISF 5th बटालियन गाजियाबाद में हुआ था, वहाँ पे मेरे से बहुत से लड़के ऐसे मिले जो मुझे जानते थे यूट्यूब के माध्यम से ही, क्योंकि जीडी का उस समय काफ़ी ज़्यादा क्रेज था मेरे अंदर, और काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम जुड़े भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, लगभग 2000 के आसपास लोग जुड़े वहाँ पे, अभी भी कुछ हट गए कुछ बच्चे क्योंकि मैं वहाँ एक्टिवेट उतना रहता नहीं हूँ, तो 1300-1400 बच्चे वहाँ पे बचे हुए टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे सीधा सीधा ये कहने का मतलब, अगर तुम्हारा आंसर की में अच्छे नंबर आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जरूर जुड़ जाना, सीधा सीधा आपका बेनिफिट कराने वाला हूँ। फिजिकल आपका मैं बताऊँगा कैसे तैयारी करनी है, देखो बस आंसर की आने के बाद एक बार अपने आप जो नंबर्स हैं वो कमेंट कर देना, जिससे मैं ये समझ सकूँ कि आप लोग के स्कोर कितने हैं, और उसके अनुसार आप लोग अगर चाहोगे तो मैं फिजिकल पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिजिकल निकालोगे। देखो फिजिकल की वजह से बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे, सुनो उनको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं सुनो, बट जो बंदा वहाँ से एग्जैक्ट एकदम चीज़ों को करीब से देखा हुआ है, अगर आप उससे आके जुड़ते हो, उससे आप गाइड लेते हो, गाइडेंस लेते हो, तो मुझे लगता है उसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक हो, आप रनिंग जाके ज्वाइन करो, आप ट्रेनिंग करो, सब कुछ करो, नो डाउट, बट एक दो बच्चों बंदों को ऐसे पकड़ो जो वहाँ उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो मुझे लगता है अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो आपका सीधा सीधा बेनिफिट आपका होने वाला है। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैंने जीडी की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, रियल और ऑथेंटिक वीडियो, मैंने गोरखपुर में जब SSB में मेरा रनिंग हो रहा था वहाँ से भी मैंने डायरेक्टली आपको वीडियो बनाया है, मतलब मैं सोच रहा था कहाँ से कहाँ आपको चीज़ों को दे सकूँ, डिलीवर कर सकूँ एकदम रियल और ऑथेंटिक। तो रनिंग की तैयारी मैं बताऊँगा कैसे होगा, मेडिकल को मैं बताऊँगा कैसे क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर करके बैठा हूँ, बस आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, मेरे से जुड़ना है अपने फायदे के लिए, जब आपका हो जाएगा तो मुझे अनफॉलो कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट आपका फायदा हो जाए मेरी वजह से, इससे बेहतर वीडियो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं मेरा यही तो काम है यार, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना।
तो चैनल से जुड़ो और फिजिकल में बहुत ज़्यादा टेंशन अभी मत लेना, बस आंसर की आ जाए एक बार कमेंट करके बताओ कितने स्कोर है। अगर अभी भी अगर तुमको लगता है कि मैं फिजिकल में मुझे करनी चाहिए, मतलब लगता है कि हो जाएगा, तो केवल लॉन्ग रनिंग पे फोकस करना, मैराथन दौड़ना, मैराथन दौड़ो, फिर मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कमेंट आएंगे, जैसे आप रिस्पॉन्स दोगे, वैसे मैं आपको गाइड करना शुरू करूँगा, क्योंकि GD में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।